आखिरकार डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा की पहली लेस्बियन पर बनी मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल फिल्म खतरा डेंजरस अब रिलीज होने की कगार पर है। फिल्म को सेंसर बोर्ड ने पास कर दिया है। फिल्म को सेंसर बोर्ड की हरी झंडी मिलते ही रिलीज की तारीख भी सामने आ चुकी है। जी हाँ, लेस्बियन लव पर आधारित कहानी वाली ये फिल्म बीते कई दिनों से चर्चा में थी। यह गोपाल वर्मा की मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल फिल्मों में शामिल है। कई विवादों के बाद अब आखिरकार 8 अप्रैल 2022 को सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए तैयार है। राम गोपाल वर्मा ने ट्विटर के जरिए फिल्म के पोस्टर पर रिलीज डेट साझा कर खुशी जताई है। हाल ही में अपने इंटरव्यू में राम गोपाल वर्मा ने कहा था कि हमें खतरा डेंजरस के सेंसर से गुजरने में कोई डर या बुरा होने की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि यह दो महिलाओं के बीच एक प्रेम कहानी है, लेकिन धारा 377 के निरस्त होने पर समलैंगिक संबंधों को वैध कर दिया गया है। आपको बता दें, फिल्म की कहानी दो औरतों के बीच प्यार और उनके समलैंगिक रिश्तों पर आधारित है, जो इस पुरुष प्रधान समाज से असंतुष्ट होकर एक दूसरे की तरफ आकर्षित होती हैं। इस क्राइम थ्रिलर ड्रामा फिल्म में काफी बोल्ड और इंटीमेट सीन शूट हुए हैं। फिल्म में साउथ फिल्मों की हॉट एक्ट्रेस अप्सरा रानी और नैना गांगुली लीड किरदार में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट।